हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितिका सुंगुटोर एंड यू आर वाचिंग एक्सक्लूसिव सीरीज बाय टीएफ बाय टीम फ्रॉम पुणे। और ये वाला स्ट्रीट फूड के साथ कैफे वाला सीरीज चल रहा है सीजन 3। चलते हैं आज के एपिसोड 2 पे, कन्नू की चाय कोथरूड पुणे में। और कन्नू की चाय इज वन ऑफ द लीडिंग चाय आउटलेट इन पुणे, मोर देन 30 ब्रांचेस। क्या स्टोरी थी, मतलब मैं सुन के हैरान हो गया था यार। दो लोग थे, एक इंजीनियर और एक आईटी एम्प्लॉयज में थे। उन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटे से वेंचर से और आज इनके पुणे के हर एक कॉर्नर पे एक एक ऑलमोस्टली चाय के, कन्नू की चाय के आउटलेट है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके पास। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि आज हमारे कन्नू की चाय पे जो है कोथरूड वाले ब्रांच में, दे हैव ओवरऑल मोर देन 30 ब्रांच इन पुणे। आपको हर कोई ना कोई कॉर्नर में पुणे के मिल जाएगा कन्नू की चाय। तो आज हम इनके स्टाफ से जानते हैं कि कन्नू की चाय इस फेमस किस के लिए और क्या क्या वेरायटी इनके पास है। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम सर? प्रद्युमन सर। प्रद्युमन सर, मुझे बताइए, आप यहाँ पे आपके डिस्प्ले में तो बहुत सारे मल्टी वेराइटीज फूड दिख रहे हैं मेरे को, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि ब्रेकफास्ट में क्या ट्राई करें और लंच में कोई आ रहा है तो क्या ट्राई करें, एंड व्हाट इज आवर यूएसपी। आप हमारे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ही स्पेशल है, उनमें से लाइक आप अगर ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हो, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए आपको, आप हमारा झटका वड़ा पाव ट्राई कर सकते। वड़ा पाव, इट वॉज ऑसम। अच्छा, आप इसको अगर ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट आप अगर प्राइस अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो आपको वड़ा पाव से कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज नो कंपैरिजन विद नॉर्मल वड़ा पाव। मतलब गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, वड़ा पाव के साथ आपको फ्राइज मिल रहा है और नॉर्मल वड़ा पाव का साइज इतना होता है, बट इसका इतना साइज दिख रहा है, मीन्स इट इज जम्बो वर्जन ऑफ मैकडी लाइक। उसके बाद सर? उसके बाद आपको इसमें सबसे स्पेशल चीज ये मिल रही है कि आपको इसका टेस्ट जो आपको इसमें क्लासी टेस्ट मिलता है। अच्छा, बहुत ही ऑसम है। ओके, बहुत ही क्लासी। और जैसे मुझे यहाँ पे टोस्टीज दिख रहा है, पेस्ट्रीज दिख रहा है, पर्व्स दिख रहा है, फिर सैंडविचेस दिख रहा है, तो टोस्टीज में विच विल बी द बेस्ट? एवरीथिंग इज द बेस्ट, लेकिन मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ वेज और नॉन वेज में, तो वेज में आप हमारी कॉर्न पनीर टोस्टी ले सकते हैं। अच्छा, ये कॉर्न पनीर चिकन टिक्का टोस्टी ले सकते हैं। अच्छा, ये चिकन टिक्का। ओके, अदर देन दैट चॉकलेट क्रोसेंट्स में? चॉकलेट क्रोसेंट हमारे यहाँ की सबसे स्पेशल चीजों में से एक है। अच्छा, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको एक क्रिस्पी और चॉकलेटी बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर मिलता है। ओके, तो इन जनरल जब मेरे सर के साथ डिस्कशन हुआ, इनके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ मेन्यू है इन ब्रेकफास्ट, इन लंच और डिनर के टाइम आ रहे हो, तो हम ना आज 5 से 6 आइटम ट्राई करने वाले। चलते हैं इनके किचन में, लेते हैं कुछ क्लासिक शॉट। देखो आगे क्लासिक शॉट। प्रद्युमन सर ने हमको सजेस्ट किया ये सारे आइटम। प्रद्युमन सर, दिस इज बबलगम शेक। बबलगम शेक, प्राइस? प्राइस जस्ट 80 रुपीस ओनली। ये झटका वड़ा पाव? झटका वड़ा पाव 79 ओनली, 89 89 और ये टोस्टीज चिकन वाला? चिकन टोस्टीज है आपकी, चिकन टिक्का टोस्टी, इट वाज ऑसम। आपको इनमें से ना सबसे शानदार में से एक ही है। प्राइस ओनली 89। ये सर 119। अच्छा, ये 119। ये वो आपका 99 रुपीस। क्या कैरेट केक है? कैरेट केक। ये क्रोस्टी जस्ट 50 रुपीज। चॉकलेट? और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज का चिकन स्टफ्ड ऑमलेट है, जो कि आपको बहुत ही रेयरली मिल रहा है अभी। चिकन स्टफ्ड ऑमलेट, समथिंग यूनिक। कितना भी जगह घूम ले, कितना भी जगह हम इंजॉय कर ले, सैनिटाइजेशन इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी इन एवरी लोकेशन इन ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड जब कभी जाएंगे, जब तक भैया कोरोना की सिचुएशन खत्म नहीं होती। तो झटका वड़ा पाव के अंदर फ्राइज आता है, पहले एक फ्राइज की बाइट ले जाए।
उसके ऊपर से जो पेरी पेरी मसाला गया ना, आहा आहा, फीलिंग देखते हैं। ग्रीन चटनी, शेजवान चटनी, उसके बाद यहाँ पे क्या डाला है पता नहीं यार, मेरे हिसाब से चीज़ की लेयर थी, और ये टिक्की। इसके अंदर परफेक्ट कॉर्न का फ्लेवर, ग्रीन चटनी का फ्लेवर और चीजीनेस का फ्लेवर आ रहा है। और ये इनका टोस्टीज चिकन वाला, ये इनका यूएसपी है बोलते हैं, और ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है बोलते हैं। क्रंच तो नेक्स्ट लेवल है भाई। जो चॉप्ड पीसेस डाले गए ना चिकन के, और जो चीज़ मेल्ट हुआ है उसके कारण ना फ्लेवर बहुत एनहांस्ड आ रहा है, और खाने में मज़ा आ रहा है। और ब्रेकफास्ट के टब जब आप टाइम में आओगे तो ये चिकन स्टफ्ड ऑमलेट खाना, ये कुछ यूनिक है। इतना पतला चिकन का लेयर आया है इसके अंदर, वो देख के मजा आया भाई। ये देखो ये एज अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है अगर आप कन्नू की चाय में आ रहे होंगे तो। इफ यू आर ऑमलेट लवर डू ट्राई दिस, टोस्टीज में कुछ चिकन में खाना है डू ट्राई दिस, एंड फ्यूजन वड़ा पाव खाना है दिस इज बेस्ट फॉर यू भाई। इन तीन चार चीजों में से अभी जो ट्राई किया सबसे बेस्ट ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा। तो दोस्तों इनके पास दो सिटिंग एरिया है, एक आता है ग्राउंड फ्लोर पे, दूसरा आता है फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी हम ट्राई करने वाले कैरेट केक। आपको पेस्ट्रीज बहुत जगह मिल जाएंगी, बट कैरेट केक इज समथिंग यूनिक। कैरेट केक के अंदर ना फ्लेवर बहुत अच्छे आ रहे, टूटी फ्रूटी के, और जो भी चीज़ें इसके इंग्रेडिएंट में डाले थे ना ऐसा मिसमैच नहीं हो रहा है। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे टूटी फ्रूटी हो गया, ये आई थिंक सो ड्राई फ्रूट है कि क्या है पता नहीं, आई थिंक सो ये कोकोनट है मेरे हिसाब से, कोकोनट है। तो फ्लेवर एनहांस आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ना चाय की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, जो भी चाय के दीवाने होंगे ना, जर्नी ऑफ चाय फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया यूरोप, वो भी दिखाया गया है। कैमरा जी एक बार पीछे वो दिखा दो, जर्नी ऑफ अ चाय फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया यूरोप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सब बताया। और हमने स्पेसिफिकली चाय का वीडियो बनाया, बट वो आपको @thefoodyatra इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देखने मिलेगा क्या चाय का वीडियो था। ये है बबल गम शेक, ऐसा लग रहा है कि बूमर का बबल गम खा रहा हो, क्योंकि एग्जैक्ट वैसे ही फ्लेवर आ रहे हैं। और लास्टली ये ट्राई करते हैं, ये आपको बहुत सारे कैफेज में देखने मिल जाएगा, बट ये सबसे यूनिक था। चॉकलेट का फ्लेवर तो भर भर के आ रहा है। इसका जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट लगा ना, ये सिर्फ 50 रुपीज में, इसके लिए मेरे को ये बेस्ट लगा। हमारा हमेशा ट्राई होता है कि जो भी जगह हम कवर कर रहे हैं वहाँ से आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्लैट 15% ऑफ है, 100 रुपये का मिनिमम बिल होना चाहिए। तो जब कभी आप आ रहे हो तो आईडी कार्ड कैरी करके आना कन्नू की चाय में, आपके लिए स्पेशल फ्लैट 15% डिस्काउंट है अगर आप स्टूडेंट हो गए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको कोई भी कारण ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता हूँ जल्दी कुछ यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।